नमस्कार। अभी कोई निकट में परीक्षा है नहीं आपके लिए। एक कहानी सुनाता हूँ, और कहानी ऐसी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्रों के जहन में उसकी फिलॉसफी रहनी चाहिए, और कहानी ऐसी जो जीवन बदल दे। कहानी की शुरुआत आप समझ लीजिए यूँ है। एक गांव के अंदर एक महात्मा जी रहते। गांव में जब जब बारिश नहीं होती, गांव वाले महात्मा जी के पास में जाते। महात्मा जी नाचते और बारिश हो जाती। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक बार दिल्ली से वाजीराव समझ लीजिए, या किसी और कोचिंग से समझ लीजिए, तैयारी करके छात्र लौटता है और गांव वालों से कहता है कि आप लोग बेवकूफ़ हो, ऐसा भला कभी होता है क्या महात्मा जी के नाचने से बारिश हो जाए? बारिश का तो निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, अलनीनो है, लानीनो है, और बहुत सारे फैक्टर है, मोनिक्स फैक्टर है, ये है वो है, तिब्बत का पठार है, बहुत सारे फैक्टर वो बताता है। वो गांव वालों से कहता है कि आप तो ऐसा करते हैं, चलते हैं हम गांव के बाहर और देखते हैं महात्मा जी की धूनी, और चलते हैं और देखते हैं कि कैसे महात्मा जी के नाचने से बारिश होती है। आप लोगों को इतने सालों से पागल बना रहा, बेवकूफ बना रहा है महाराज, और अगर महात्मा जी के नाचने से बारिश होगी तो मेरे नाचने से भी बारिश होगी। गांव की धूनी में महात्मा जी बैठते हैं, सारे लोगों की भीड़ खड़ी है। वो छात्र मंद मंद मुस्कुराता है और नाचना शुरू करता है। ठीक है, थोड़ी देर में थक जाता है, और लेकिन मन ही मन थोड़ी सी कुटिलता के साथ में महात्मा जी को देखते हुए इशारा करता है कि अब महात्मा जी आपकी बारी है, अब आप नाचो। महात्मा जी नाचना शुरू करते हैं, बारिश नहीं होती। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है। वो छात्र मन ही मन और मुस्कुराता है, कुटिल हंसी उसके चेहरे पे आ जाती है। महात्मा जी नाच रहे हैं, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। अब महात्मा जी की भी हिम्मत डाउन होने लग जाती है, महात्मा जी का मनोबल भी गिरने लग जाता है, और महात्मा जी नाचते हैं, फिर थोड़ी देर के अंदर वापस गिर पड़ते हैं, फिर महात्मा जी खड़े होते हैं। बाद में महाराज कभी अर्ध चैतन्य अवस्था के अंदर नाचते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। महाराज के पैरों के अंदर बड़े बड़े छाले हो रहे हैं। एक दिन बीत जाते हैं, 1.5 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन महात्मा जी बेसुध जो जो ही वापस होश आए, महात्मा जी नाचना शुरू कर देते हैं और अंत के अंदर बारिश हो जाती है। वो बालक जाकर के महात्मा जी के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि महात्मा जी, ये ऐसे कौन से फलसफे हैं, क्या है ऐसा जो मेरे नाचने से तो बारिश हुई नहीं और आपके नाचने से बारिश हो गई? तो महात्मा जी कहता है कि कोई फलसफा नहीं है, मेरे जो जीवन के जो सार है, मेरा जो अंतस कहता है, वो 2 फॉर्मूले हैं, और वो पहला फॉर्मूला ये है कि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होकर के रहेगी, और दूसरी बात, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो दोस्तों, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या बीएड की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक, पटवारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे बोर्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, महात्मा जी की तरह ये विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे सफलता मिलकर रहेगी, और दूसरी बात, मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक कि मुझे सफलता मिल नहीं जाती। तो दोस्तों, आरएस की अगर बात करूं तो आरएस की वैकेंसी आने वाली है। जनरल साइंस की बात करूं तो साइंस की सिलेबस के अंदर एक एक चीज आपको याद आनी चाहिए, बिना किसी विकल्प के आप ये बता सको कि साहब बीमारी डायबिटीज ये है, इस टाइप की बीमारी होती है। मानव शरीर के अंगों की बात है तो एक एक अंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मस्तिष्क से तो आपको बिल्कुल ही होना चाहिए, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये काम करता है, ये काम करता है। मानव के ब्लड सर्कुलेशन को पूछे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि ये साहब मानव का रक्त परिवहन तंत्र होता है, इसने बताया, ये ग्रुप होते हैं, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ये लाल रक्त कणिका है, ये श्वेत रक्त कणिका है, ये इनका काम है, ये इनकी मात्राएं हैं, ये ब्लड ग्रुप है, ये इसको दे सकता है, ये इससे ले सकता है, एक एक चीज, ये धमनियों का काम है, ये सिराओं का काम है, ये धमनी का अपवाद है, ये सिरा का अपवाद, एक एक चीज आपको आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो आपने, सपोज करो साइंस केमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर है परमाणु विज्ञान ही मान लीजिए, तो सबसे बेसिक से लेकर के आप तो सामने किताब के अंदर आपको आना चाहिए कि साहब ये तो अणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु की खोज इसने की, ये इसके 3 पार्ट है, इस पे धनावेश होता है, इस पे ऋणावेश होता है, इसका आवेश इतना होता है, ये इसकी मात्रा, ये समस्थानिक होता है, ये समभारिक होता है, ये रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, ये थॉमसन ने मॉडल दिया था, ये इसने मॉडल दिया था,
एक एक चीज आनी चाहिए। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये हुंड का सिद्धांत है, ये ओकबो का सिद्धांत है, परमाणु कक्ष के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ऐसे भरे जाएंगे, बिल्कुल सफलता खुद कोहराम मचा देगी बिल्कुल। और अभी बहुत समय है आपके पास में, राष्ट्रीय आंदोलन तैयार कर रहे हो तो राष्ट्रीय आंदोलन के एक एक चीज आनी चाहिए। सर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर हुई थी, ए ह्यूम ने की थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर स्थापित हुई थी, 72 कैंडिडेट 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने शुरुआत के अंदर भाग लिया था, दूसरे अधिवेशन के अंतर्गत दादा भाई नोरा जी थी, जॉर्ज जूल इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज जूल ने की थी, महिला अध्यक्षता इसने की थी, गांधी जी ने अध्यक्षता इसने की थी, देश आजाद हुआ तब इसने की थी, दो भागों के अंदर कांग्रेस बंटी हुई थी, ये गरम दल और ये नरम दल, गरम दल के नेता ये थे लाल बाल पाल थे, लाल लाल लाजपत राय ने ये किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ये किया था, बिपिन चंद्र पाल ने ये किया था, उदारवादी जो नेता थे उदारवादी नेता ये के थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने ये किया, दादा भाई नोरा जी थे, दादा भाई नोरा जी ने किताब लिखी, उसमें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन